गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग? खैरियत आफियत आप लोगों को खुश रखें। तो मैं इस वक्त हूँ दरभंगा के सफ़र पे और मेरे साथ हैं मेरा भाई कमरुद्दीन सोरा जान के, और वो आज मुझे कुछ अपनी दर्द भरी आवाज़ से कानों में रस घोलती आवाज़ व अंदाज के शहनशाह भाई कमरुद्दीन मेरे साथ हैं। उम्मीद करता हूँ ज़रूर बेहतर सुनाने की कोशिश करेंगे। तो कमरुद्दीन भाई इरशाद। एक मतलब तीन सर समाप्त करवाए इरशाद इरशाद के खालिक कौन ने कहा, के खालिक कौन ने कहा, कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है, खालिक कौन ने कहा, कितना बड़ा एहसान है, बोरियों पे सो अरिश का मेहमान है, खालिक कौन ने कहा, कितना बड़ा एहसान है, बहुत खूब माशाल्लाह, के खालिक कौन ने कहा, कितना बड़ा एहसान है, बोरियों पे सो अरश का मेहमान है, खालिक कौन ने कहा, क्या कहना भाई, बहुत खूब माशाल्लाह एहसान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से पढ़ पाएंगे। आपने कहा कि गले में थोड़ी ये हो रही है क्योंकि ऐसी फुल है और चल रही है ऐसी, तो मैंने ऐसी आप कम कर दिया है। इरशाद बहुत अच्छा लगा सुनकर के, माशाल्लाह आवाज़ें आपकी बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है। आमीना के गोद में कौनैन का सुल्तान है, खालिक कौनैन का, कितना बड़ा एहसान है, खालिक कौनैन का, कितना बड़ा एहसान है, ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है, आमीना की गोद में, आमीना की गोद में कौनैन का सुल्तान है, खालिक कौनैन का, कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है। भाई वाह माशाल्लाह, बहुत खूब, क्या कहूँ भाई,
जवाब नहीं है कमरुद्दीन भाई, जहाँ तक मुझे मालूम है आप जामतुल कासिम में भी जब लोगों ने कहा है, वहाँ के बच्चों से हमने खास घुल मिल करके हमने रहा है कई दिनों से उनके साथ, तो जहाँ तक मुझे मालूम है आप जब पढ़ते हैं तो एक अजीब सी एक कैफियत लोगों के दिल में और रूहानी सी महसूस होती है जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। माशाल्लाह ये सफ़र बहुत आसान रहा और दुआ करें आप लोग कि आगे का सफ़र भी और आसान रहे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं का मोहताज बंदा आसी मोहम्मद दिलसाद, खुदा हाफिज़।